हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बूंदी का टेस्टी रायता, जिसे बनाने के लिए मात्र 10 से 12 मिनट लगे हैं। और ये रायता गर्मी में ठंडक देता है। और इस रायते को आप इस प्रकार बनाइए तो आपको पता चलेगा ये रायता कितना टेस्टी है। इसे आप झटपट कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। बूंदी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रेंड्स ये 300 ग्राम दही लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसे रात में जमाया था, ओवरनाइट में। दही देखिए कितना अच्छा जमकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, रायता बनाने के सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल लिया है। ये जो सारा कर्ड है इसमें हम डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा दही हमने बचाया है, इसे हम बाकी दही जमाएंगे। एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं आधा कप पानी और इसे फिर से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपके साथ बूंदी के रायते की शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके साथ लॉन्ग वीडियो बनाऊं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में थोड़ा उन्हें जल्दी में समझ में नहीं आया। तो आज मैं उन्हीं के कहने पे, एक वर्षा मैडम है उनके कहने पे, आज मैं ये बूंदी के रायते की रेसिपी दोबारा से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर ये थोड़ी लॉन्ग है। फ्रेंड्स, इस प्रकार बूंदी का रायता आप एक बार बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक सिल ली है। सिल के ऊपर हमने ये 4 से 5 खड़ी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आई मैं आपको पास से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ा सा धनिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। और ये 8-10 लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी कोरोना का संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए आप अगर लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो गले के लिए काफ़ी अच्छा है। और वैसे तो हम लहसुन बोलते हैं, डॉक्टर हमेशा कि एक कच्चा लहसुन डेली खाना चाहिए, लेकिन हम डेली कच्चा लहसुन नहीं खा पाते। लेकिन इस प्रकार से हम सब्जियों में या रायते में कच्चा लहसुन डाल के गले के संक्रमण को थोड़ा दूर कर सकते हैं। ये देखिए, ये हरा धनिया है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके साथ हरी धनिया को कैसे हम सही रखें इसकी वीडियो शेयर की थी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वही हरा धनिया है। इसे आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये एकदम फ्रेश का फ्रेश है। इसे भी हम डाल देते हैं। ये नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। ये 2 पिंच हींग। फ्रेंड्स, हींग डाइजेशन को सही करती है। फ्रेंड्स, हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर भी पीसना चाहते हैं तो उसमें भी आप इन सारी चीज़ों को डालकर पीस सकते हैं। पर मैं इसे सिर से पीस रही हूँ, और सिर पे पीसने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे आप ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम पूरे मसालों को पीस लेते हैं। उधर हमारा मसाला पीस कर रेडी हो चुका है। इधर हमने एक बाउल में 2 कप पानी डाल दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने 100 ग्राम बूंदी दी है। फ्रेंड्स, रायते में बूंदी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम पानी में डाल देते हैं। इसे हम पानी में डुबो देते हैं। हमें पानी इतना लेना है जितनी हमारी जो बूंदी है पानी के अंदर डूब सके। और फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। और रायते में जब तक हम मसाला मिला लेते हैं, और 1 मिनट तक हम पानी के अंदर इसी प्रकार भिगोने रख देते हैं। और ये हमारा जो दही है इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पर छाछ या मट्ठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाला हमने पीसा था इसे हम मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खड़ी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पर पीसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप एक विस्कर की सहायता से मिक्स कर सकते हैं। ये हमने लिया 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, इसे भी हम डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून काला नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले व्हाइट नमक का भी इस्तेमाल किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इधर जो हमारी बूंदी है उसे हम देख लेते हैं। ये हमारी बूंदी है, इसे फ्रेंड हमें ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि ज़्यादा गलाने से जो बूंदी है ज़्यादा गलती है तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। इसलिए अब हम इसे स्क्वैश करते हुए रायते में डाल देते हैं। पिसा हुआ मसाला हमने थोड़ा बचा लिया है, क्योंकि जो रायता है थोड़े बच्चे भी खाएंगे। जब हमें लगे थोड़ा किसी का कम है तो हम इसे और डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रायता है उसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतली ना तो ज़्यादा थिक। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमने मात्र 1 टेबल स्पून लिया है। इधर ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हमने ये फ्रेंड्स 2 हरी मिर्च हैं, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन को हमने कुचल लिया है, इसे हमने काटा नहीं है। फ्रेंड्स,
अगर आप रायते में लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इधर ऑयल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। जीरे से जो रायते का फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आता है। जैसे ही जीरा अच्छे से चटक जाए इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च और लहसुन। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, रायता इसमें हम डाल देते हैं। ये हमने तड़का लगा दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा रायता है बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ना भूलिए। और मैं वर्षा मैडम से कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी जो रायते की रेसिपी वो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, क्योंकि मैंने खास उन्हीं के कहने पे रायते की वीडियो बनाई है। देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को, और जिन लोगों ने मेरे चैनल रॉयल इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।